हाय फ्रेंड्स, इतने दिनों से ब्लॉग नहीं आया था इसलिए इसके लिए सॉरी। आज है देर का बर्थडे तो हम आए मंदिर और उसको दर्शन कराने के लिए। अभी शाम हो गई है तो हम कर रहे हैं डेकोरेशन उसके बर्थडे के लिए। तो हमने इधर लगाए बहुत सारे बलून अलग अलग कलर के। हमने डिज़ाइन सोचना कितना एक घंटा पूरा निकाला है लेकिन फिर भी कुछ डिज़ाइन ही नहीं आ रही थी याद। फिर हमने कुछ ऐसे ही ट्राइंगल शेप की है, वो भी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो अभी मैं इधर बलून्स को फुला रही हूँ और अभी मैं टेप लगा के सारे दीवार पे चिपका दूँगी। अभी मेरी फ्रेंड्स भी आई हुई है क्योंकि फिर हम पार्टी करेंगे, मज़ा करेंगे इसलिए। तो अभी मैं बलून्स फुला रही हूँ। आज तेरे का बर्थडे है तो वो तो एकदम ऐसे बोल रहा था कि मैं तो राजा हूँ, आप सब मेरी बातें सुनना, मैं बोलूँ वैसा ही करना। फिर वो हमें अपनी उंगलियों पे नचाना था पूरे दिन, बस पानी लाओ ये लाओ वो लाओ ऐसा ही कर रहा था। तो अभी फाइनली हमारी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है, देखो कैसी लग रही है कमेंट में बताना। और ये है मेरी दो फ्रेंड्स, बाकी सब फ्रेंड्स का तो ट्यूशन होता है इसलिए वो नहीं आई है। अभी ये देखो हमारा बर्थडे बॉय भी रेडी हो गया है। अभी पापा भी आ चुके हैं केक लेके, और केक बहुत मस्त है, ब्लैक फॉरेस्ट केक है। तो अभी देखो देहरू को कितनी एक्साइटमेंट है केक को देखने के लिए, लेकिन अभी केक नहीं मिलेगा, अभी तो फ्रीज में जाएगा केक। तो अभी ये आ गया है बर्थडे बैनर और ये कुछ ऐसा लगता है हैप्पी बर्थडे वाला। तो हमने डेकोरेशन के ऊपर ये लगा दिया है और अभी ये है केक हमारा, उस पर देर राज भी लिखा है उसका नाम। अभी मम्मी बना रही है समोसे। ये देखो बर्थडे बॉय ऐसे ही बैठा है, अभी केक आ गया है। देखो कितना बढ़िया केक है, ब्लैक फॉरेस्ट है, फिर वाइट चॉकलेट है, धैर्य राज भी लिखा हुआ है। उसे तो केक बहुत पसंद आया, उसने सारी चॉकलेट खा ली। ये देखो हमारी फ्रेंड वेट कर रही है कि कब केक कटेगा। ये देखो मेरी छोटी बहन भी आई हुई है और मेरे दादा भी आए हैं। तभी पापा, मम्मी, मैं, धेरू, दादा, मेरी फ्रेंड्स और मेरी छोटी बहन, अभी हम सब मिलके केक काटेंगे और खाएंगे। तभी पापा ने मोमबत्ती जला ली है। तो अभी देखो केक कटिंग हो रही है और मेरी फ्रेंड्स देखो मेरे बाजू में। तो मेरी फ्रेंड्स और मेरे मम्मी पापा विश कर रहे हैं, मैं तो क्योंकि वीडियो उतर बना रही हूँ इसलिए मैं तो विश नहीं कर सकती। तो अभी देखो मेरे दादा को केक खिला रहे हैं, दादा ने उसको केक खिलाई, फिर छोटी बहन को खिलाई, वो खा दीजिए रख रहे कर दिए मुझे चॉकलेट खा दी। अभी देखो अभी खा ली उसने। ये देखो केक इतने में थोड़ी सी कट चुकी है। तो ये देखो पापा फोटो खींच रहे हैं, अभी मेरी बारी आ गई है। तो अभी धीरे धीरे खिलाई मुझे केक, मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताना। ये देखो मुझे केक खिलाई, और है ना जब मैंने उसे केक खिलाई ना तभी वो जोर से मुझे काट रहा था, लेकिन फोटो खिंचा रही है तो फिर वो भी, तो इसलिए फिर ये देखो अभी मम्मी और पापा, पापा की बारी है तो अभी पापा को केक खिलाया दे रहे हैं और फिर अभी मम्मी को खिलाया दे। अभी ये देखो हमारे जो ऊपर दीदी रहते हैं चार, वो चार आ गए तो दे रहे हैं उनको केक खिलाई। तो अभी सबको रास्ते में मिलेंगे समोसे, फिर पाव भाजी और केक। तो अभी मम्मी सब कुछ निकाल रही है और सबके लिए प्लेट रेडी कर रही है। तो सब मम्मी ने रखा एक बर्ड, एक समोसा और थोड़ी थोड़ी भाजी और केक। तो ये देखो हमारी गर्मा गर्म भाजी, समोसे मम्मी ने घर पे ही बनाए थे क्योंकि बाहर के समोसे बहुत अच्छे नहीं होते और फिर बारिश का भी मौसम है इसलिए। तो अभी पाव भाजी तो बाहर से लाए क्योंकि फिर वो बना रहेंगे तो फिर कितना टाइम लगेगा इसलिए। तभी मम्मी ने सब कुछ बता दिया, पापा की भी उनकी हेल्प कर रहे थे। ये देखो सबकी प्लेट्स रेडी है, अभी सब खाना खाने बैठ गए हैं। तो अभी जो दीदी थी उन्होंने गिफ्ट दे दी है फॉर एरो रोशन। तो अभी चलो कल मिलते हैं वह लोग।